दोस्तों, कुछ खबरें सुन करके दिल रोने का करता है और दिल रो नहीं पाता है। दोस्तों, सीएम योगी के पिता की मौत की खबर सुनकर भी उनको ऐसा ही लगा होगा कि काश मैं उनसे मिल पाता और उनके साथ कुछ वक्त बिता पाता। लेकिन दोस्तों, वो तो जनता की सेवा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पूरे जो है उत्तर प्रदेश की सेवा में वो अपने तन मन से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सोमवार की सुबह सीएम योगी की टीम 11 के साथ मीटिंग चल रही थी और कोरोना से इस जंग में वो समीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच सीएम योगी के बेहद करीबी कहे जाने वाले बल्लू राय मीटिंग में आए और सीएम को एक पर्ची थमाई। जी हाँ दोस्तों, पर्ची के पढ़ते ही सीएम एक मिनट के लिए शांत हो गए, जिसके बाद उनकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है और वह 89 वर्ष के थे। दोस्तों, किडनी और लीवर की समस्या के बाद उन्हें दिल्ली की एम्स में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, सोमवार को सुबह सीएम योगी टीम 11 के साथ कोरोना से चल रही मीटिंग की समीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच सीएम योगी के बेहद करीबी कहे जाने वाले बल्लू राय मीटिंग में आए और सीएम को एक पर्ची थमाई, जिसके बाद उस पर्ची को पढ़ते ही सीएम एक मिनट के शांत हो गए, लेकिन वो पूरी मीटिंग खत्म करने के बाद ही वहां से उठे और उनकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, सोमवार की सुबह 10 बजे सीएम योगी राजस्थान के कोटा से यूपी लाए गए छात्रों के स्वास्थ्य पर टीम 11 के साथ अहम बैठक कर रहे थे। सीएम योगी की बैठक चल ही रही थी कि इसी दौरान उनके करीबी मित्र ने उनको ये पर्ची थमाई और उनको ये खबर का पता चला। दोस्तों, आमतौर पर वह कभी सीएम योगी की किसी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों उनके आने से सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने चुपचाप अंदर आकर सीएम योगी को एक पर्ची थमाई और पर्ची पढ़ते ही सीएम योगी की आंखें नम हो गई और उन्होंने बल्लू से किसी से फ़ोन पर बात कराने को कहा। तकरीबन एक मिनट की वार्ता के बाद सीएम ने जब फ़ोन काटा तो वह शांत हो गए। दोस्तों, उनकी आंखों में नमी थी और उन्होंने लगभग एक मिनट तक मौन रहने के बाद फिर से अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। दोस्तों, तकरीबन 20 मिनट के बाद जब वह बैठक खत्म हुई तब सीएम योगी वहां से बाहर निकले। दोस्तों, सीएम योगी ने पिता की मौत की सूचना के बाद भी कोरोना पर चल रही आवश्यक बैठक पूरी की। उन्होंने अधिकारियों के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए, सारी चीज़ों की जानकारी ली। जब सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात खत्म हो गई तब जाकर बैठक को खत्म करने का ऐलान किया गया। दोस्तों, सीएम योगी पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, सीएम योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है और योगी आदित्यनाथ ने एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे मेरे पुराश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन से उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके अंतिम दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को पूरी यूपी 23 करोड़ की जनता के लिए वो आगे बढ़ने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। दोस्तों, कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना वायरस से लड़ने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ पूर्वाश्रम में जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा।